माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, आप लोग हर कोई अपने घर के अंदर हर तरह के सपने देखते हो, आपके जीवन के अंदर तन मन धन से सुखी होने की कई बहुत सारी आशाएं होती है, आप हर रोज एक नया सपना लेके जीवन जीते हो, के आशा रखते हो कि ये मेरा सपना पूरा हो जाए। छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, पैसे वाला इंसान हो, गरीब इंसान हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, किसी के जीवन में कोई ना कोई सपना होता है कि मैं बड़ा होकर ये आदमी बनूंगा, मैं नया मकान खरीद लूं, मेरी नई ऑफिस बन जाए, मेरा नया बिजनेस सेटअप हो जाए, मुझे अच्छी जगह जॉब मिल जाए, मुझे परदेश के वीज़ा मिल जाए, मेरी अच्छी जगह मैरिज हो जाए, मैं ये काम मेरा पूरा हो जाए। ऐसी बहुत सारी आशाएं आपके जीवन में हर रोज़ नए नए दिन के साथ नई नई आशा जीवन में बनती रहती है। तो फ्रेंड्स क्या ऐसी कोई गैजेट है, ऐसा कोई रेमेडी है वास्तु के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो आपकी आशा को पूरी कर सके? एक तो सबसे पहले आपको जो भी आशा हो आपकी, आपको इस तरह से उसको पूरी करने की कोशिश करनी है कि इसमें आपको 100% एफर्ट लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी सपना देख लिया तो वो 100% पूरा हो जाएगा, उसके लिए आपके एफर्ट होने चाहिए और आपकी खुद की उसके लिए कैपेसिटी, यानी आपके भी खुद की योग्यता। अगर आपकी योग्यता उस सपने के साथ तालमेल नहीं कर रही है तो 100% वो काम नहीं बनेगा। दूसरा कि आपका आत्मविश्वास, अगर यहाँ पे आत्मविश्वास भी कम होगा, आपको उस सपना पूरा करने में आप मेहनत नहीं कर रहे, आपको आने वाले समय में, आने वाले दिनों में विश्वास नहीं है कि मेरा ये काम नहीं होगा, और कहीं अंदर से आप यानी शंका कर रहे हैं, कुशंका कर रहे हैं कि हमारा ये काम नहीं होगा, तो भी ये 100% आपका काम नहीं होगा। आज आपको एक आत्मविश्वास के साथ और एक श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ आज मैं आपको एक ऐसी गैजेट के बारे में, ऐसी 3D रेमेडी के बारे में बता रहा हूँ। ऑलरेडी इसकी एक मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है पास्ट में, कई लोगों ने उस वीडियो को देखा है और वो रेमेडी हमसे मंगाई है और उसको अपने जीवन में यूज़ करके उनके जीवन में आने वाली कोई भी समस्या हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, कोई ऐसी बीमारियां हो, या कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई सपना हो, जॉब से रिलेटेड कोई सपना हो, प्रमोशन की बात हो, अच्छी जगह शादी की बात हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो, मकान की इच्छा हो, परदेश की इच्छा हो, कोई भी ऐसी कोई भी इच्छा हो, कोई भी विश हो या कोई भी आशा हो, वो आशा 100% लोगों ने अपने अपने तरफ से श्रद्धा करके उस यंत्र का उपयोग करके पूरी की है। ऐसे हमें कई व्हाट्सअप भी आए, कई मेल भी आए, कई ऐसे फ़ोन भी आए कि वो चीज़ यूज़ करने के बाद उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा कार्य बन चुका है कि वो उनको बिलीव नहीं था, खाली एक सपना देखा था, एक आशा रखी थी कि मेरे जीवन में ये काम हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको रात को सपना आया कि मैं मिनिस्टर बन गया तो सुबह उस पे काम करने लग जाओ। आपकी जो नीड है, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो योग्यता है, आपकी जो सोच है, और आप खुद भी ऐसा सोच रहे हो कि ये चीज़ मुझसे हो सकती है, पर इस चीज़ पूरी करने में बहुत सारी बाधाएं है। जैसे अगर हम एक फॉर एग्जांपल लेते हैं नया मकान खरीदने का, तो आप यह देखना, नया मकान खरीदने की आशा कौन व्यक्ति देख रहा होगा कि जिसके पास नया मकान खरीदने की कैपेसिटी हो, यानी फाइनेंस हो, डाउन पेमेंट हो। तो क्या होता है, उसने फाइनेंस लोन भी करा ली, डाउन पेमेंट भी उसकी सक्सेस है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, पर उसको चॉइस नहीं मिल रही, तो काम वहीं का वहीं रह गया। पैसा होने के बाद चॉइस नहीं मिल रही तो काम वहाँ पे, जहाँ पे चॉइस मिल गई, जगह मिल गई, मकान पसंद आया, तो वहाँ पे डाउन पेमेंट की अरेंजमेंट नहीं हो रही। जहाँ पे डाउन पेमेंट की अरेंजमेंट हो गई, मकान पसंद आ गया, तो कुछ कारणवश लोन नहीं हो रही। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको कहते हैं ना, वो निवाला मुँह तक आ गया और खा नहीं पाए। ये ऐसा कोई भी संजोग आपके जीवन के अंदर है, आ रहा है या है, तब आप ये रेमेडीज यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक स्टेप ही नहीं है और लास्ट स्टेप की आप मनोकामना कर रहे हो और इस रेमेडी को उपयोग करोगे, यूज़ करोगे, तो 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। 1 से 9 तक तो आपको आपके ही योग्यता के अनुसार, आपकी लायकात के अनुसार, आपके बजट के अनुसार आपको कैपेबल होना पड़ेगा। बाद में जो 1% है, जो 1% किसी पर हम डिपेंड करते हैं, तो वो जो 1% की एनर्जी है, ये गैजेट और ये यंत्र देगा। तो आज हम आपको दिखाएंगे वास्तु के अंदर और वैदिक वास्तु के अंदर एक इच्छा पूर्ति कछुआ, विशिंग टोटोइस। एक ऐसा कछुआ आता है जो पंच धातु से निर्मित होता है, वो कई शेप में आएंगे, कई कलर्स में आएंगे और कई मेटल्स में आएंगे। ये आप देखते हो तो ये गोल्डन फिनिश है और दूसरा ये है, ये सिल्वर गोल्डन फिनिश है, यानी इसमें नहीं कोई साइज की इंपॉर्टेंसी, नहीं सिल्वर गोल्डन या गोल्डन, यहाँ पे कछुआ होना चाहिए, वो भी इच्छा पूर्ति कछुआ।
और रेकी से सिद्ध किया होना चाहिए, तप जप किया होना चाहिए। अगर इसमें पूजा पाठ नहीं की हुई है, इसमें श्रद्धा नहीं रखी है, तो कछुआ भी नहीं काम करेगा और आप लास्ट में ठग के बैठ जाओगे। बाकी अगर जो वैदिक के अंदर, वास्तु के अंदर, एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअल में अगर विश्वास रखते, ट्रस्ट बना के रखते, वो उसके लिए इतने पॉजिटिव है, तो 100% ये सब चीज़ आपको रिजल्ट देगी। अब इस कछुए की क्या खासियत है, तो नीचे ऐसा ही एक स्क्वायर बनना होना चाहिए, लो शू ग्रिड, इसको हम लो शू ग्रिड कहेंगे। तो चार ये कहीं से भी आप टोटल मारोगे तो इसके 15 होंगे, यानी 15 एक यंत्र है जो सिद्ध यंत्र है। अब आप ऊपर की रो में देखोगे तो इसके ऊपर की रो में 4 9 2, यानी 4 9 2 का भी आप टोटल मारोगे, 4 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2, 4 प्लस 9 30 प्लस 2 50, यानी ये 15 का टोटल हो गया। अब आपको इसको वर्टिकल लाइन में भी मारोगे तो 4 3 8, 4 4 3 7 और 8 15, और इसको आप क्रॉस भी टोटल मारोगे तो 4 5 6, 4 5 9 6 15, कहीं से भी टोटल मार लो ये 15 ही होगा। ये सिद्ध यंत्र है, ये लोशु ग्रिड है, और ये 15 ही यंत्र कहते हैं। महालक्ष्मी जी का, महाविष्णु जी की ये यंत्र पे बहुत कृपा बनी है। जिन किसी का भी मनोरथ हासिल, मनोरथ कार्य पूरा नहीं होता, यानी कोई भी काम में सिद्धि प्राप्त नहीं होती, कोई भी मनोपूर्ति नहीं होती, कोई भी काम उनका सिद्ध नहीं होता, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, चाहे वो जीवन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, यानी उनकी मनोकामना की पूर्ति जब तक नहीं होती, जब तक वो इस यंत्र की उपासना नहीं करते। एक बार आप कर लेना, देखिए आपको जो मिल रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि जिन जिन लोगों ने ये यंत्र यूज़ नहीं किया, इसकी उपासना नहीं की, तो उसका काम नहीं हो रहा, तो वो उनके नसीब में लिखा है तो उनका काम हो गया। पर कई ऐसे लोग हैं कि उनके नसीब में काम नहीं लिखा, पर ये यंत्र के द्वारा वो अपना नसीब जागरूक कर सकते हैं। सीधा सीधा कहीं पे भी नसीब में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा, ये आपको प्राप्त होना है। आपको उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, उसके आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आगे कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के बाद जो सिद्धि हासिल होगी और वो पूर्ण होगी, तो ही आप सक्सेस और विजेता कहलाओगे। तो ये जो 15वीं यंत्र का अगर आप सिद्धिकरण उसको उपासना करोगे, और जिस तरह से मैं आपको यहाँ से गाइड कर रहा हूँ, उस तरह से आप इस टोटोइस इच्छा पूर्ति टोटोइस की आप पूजा करेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और इस कछुए की खास बात है कि ये कछुआ आपको मंदिर में ही रखना है, आपको यहाँ वहाँ पानी के साथ नहीं रखना सबसे पहले, क्योंकि इसको मंदिर में रखने का फायदा क्या है और इसको पानी के बिना रखने का फायदा क्या है। एक तो मंदिर एक आपकी ऐसी जगह है कि वहाँ पे पॉजिटिविटी है, वहाँ पे हर रोज दिया धूप दिया चलता है, वहाँ पे भगवान का वास है, वहाँ पूजा करते हो तो वहाँ पे ऐसे की सकारात्मक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है कि आपकी कुछ भी अगर उधर आप तमन्ना करोगे तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा। जब भी आप कथा सुनते हो, जब भी आप पूजा करते हो, जब भी आप भजन करते हो, या जब भी आप भगवान की तमन्ना या भगवान के बारे में सोचते हो, और साथ साथ आपके दिल में और मन में कोई इच्छा हो, तो 100% उस समय के दरमियान अगर कोई शुभ कार्य की इच्छा आपके मन में होगी, तो 100% वो कार्य फलभूत होगा और वो पूरा होगा। यानी उसी कंसेप्ट में उसको खास मंदिर में रखना है। दूसरा, पानी पानी भर के क्यों नहीं रखना, क्योंकि हमें कछुए को उतने दिन रखना है जहाँ तक हमारी विश पूरी नहीं होती। जैसे ही आपकी विश पूरी होगी, इस कछुए को बहते हुए जल में, कहीं से बंधा हुआ जल नहीं, तालाब नहीं, नदी, नदी में श्रद्धा पूर्वक इसको छोड़ देना है, यानी इसकी विसर्जन करना है। जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, कई ऐसी आपको वीडियो मिलेगी वहाँ पे इस कछुए के बारे में ऐसा बताया गया है कि 40 दिन के बाद आपको इसको विसर्जित करना है। यानी ऐसा नहीं है कि 40 दिन में आई कि इच्छा पूरी हो जाएगी, उन्होंने थोड़ा गलत थोड़ा कह रखा है, पर हमारा जो कंसेप्ट है, जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती, चाहे वो 4 दिन हो, 4 महीने हो, 40 दिन हो, या 40 महीने हो, या 4 साल हो, ये आपको सोचना नहीं है। आपको कर्म करना है, फल की आशा रखनी है, पर फल की आशा नहीं, यानी आशा ऐसी नहीं रखनी कि आपका काम पूरा नहीं हुआ तो आपकी धीरज या आपकी वो कहते हैं श्रद्धा शबूरी खत्म हो गई और आपने इसके प्रति नेगेटिव सोचने लगे, ऐसा नहीं करना है। यानी उसको पानी में हमें विसर्जित करेंगे, तो कछुआ पानी बिना नहीं रहता। शास्त्रों के अंदर बताया है कछुआ जलचर भी है और भूचर भी है, वो पानी बिना भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। इसको पानी में जाने की इतनी तमन्ना होगी, इतनी उतावल होगी, वो खुद पानी में जाने के लिए इतना शीघ्र शीघ्र ऐसी कृपा करेगा कि आपका काम हो जाएगा। अब ये कंसेप्ट के अंदर, ये मनोकामना के अंदर हमने कछुए का ही क्यों कछुए को ही क्यों निमित्त बनाया, क्योंकि कछुआ ही एक विष्णु भगवान का स्वरूप है। विष्णु भगवान की उपासना करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी उनके धर्म पत्नी है, यानी पति का मान सम्मान
पूजन करने से हमेशा उसके धर्मपति प्रसन्न रहते हैं और हमारे पे कृपा बरसाते हैं। अगर आप विष्णु भगवान ये जो संसार है उस संसार में वैभवशाली जीवन धन सौभाग्य समृद्धि उसके कौन कौन देव कारक है, कौन किस किस के हस्तक ये संसार चलता है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की कृपा, अगर ये दो देवों की कृपा या देवी की कृपा हमारे जीवन में नहीं रहेगी तो हम भौतिक सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे और भौतिक सुख के मालिक नहीं बन पाएंगे। ये एक बात खास ध्यान रखना, यानी हमारे जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य की कमी रहेगी जब तक आप विष्णु भगवान की उपासना नहीं करोगे, लक्ष्मी जी की उपासना नहीं करोगे। आज लक्ष्मी जी की फोटो प्रतिमा या मूर्ति हर किसी के मंदिर में होगी पर विष्णु भगवान की फोटो नहीं होगी। अगर आप विष्णु भगवान की फोटो कहीं से लाके मंदिर में रखते हो तो बहुत ही फायदा है। अगर आपके घर के अंदर अगर कछुआ कोई भी स्वरूप में उपस्थित है, चाहे वो चित्र के स्वरूप में है चाहे ये मूर्ति के स्वरूप में, तो समझना विष्णु भगवान की उपस्थिति आपके घर में है। बस उसके साथ श्रद्धा कीजिए, रोज उसके साथ तालमेल कीजिए, आप अपनी बात उनके आगे रखिए, 100% आपका काम होगा। तो हमारी जो बात थी इसको पानी बिना रखना है, जब आपका काम पूरा हो जाए तो उसको पानी में विसर्जित करना है। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या करना है, मार्केट से जब भी आपको ये कछुआ प्राप्त होगा तो सबसे पहले इसको गंगा जल से शुद्ध कीजिए, क्योंकि गंगा जल से इसलिए शुद्ध करना होता है कि कोई भी चीज़ को अगर हम शुद्ध करके यूज करेंगे तो वो देवों तक हम उसको दे सकते हैं। शुद्ध की हुई अशुद्ध, शुद्ध नहीं की हुई चीज़ें, अशुद्ध की हुई अशुद्ध चीज़ें और झूठी चीज़ें हम देवों को नहीं देंगे, क्योंकि हम मंदिर में रखेंगे ना तो ये एक प्रसाद हो गया जो हम भगवान को चढ़ा रहे हैं। अब इसके अंदर नीचे 15 यंत्र जो मैंने आपको बता दिया, ये खास चेक करना कि ये यंत्र होना चाहिए और कछुआ ओपनेबल होना चाहिए। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि साइज शेप वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे गोल्डन चाहे कॉपर चाहे ब्रास चाहे सिल्वर कोई भी कछुआ हो ओपनेबल होना चाहिए, ये एक खास इसका, क्योंकि हमें इच्छा रखनी है इसके गर्भ में, यहाँ पे हमें इच्छा लिख के रखनी है। अब इच्छा किस तरह से रखनी है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, शायद राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप समझने की कोशिश करोगे। अब ये एक वाइट पेपर है, अब इसको स्क्वायर चौकोर कट करना है, ये जेरॉक्स पेपर जिसे हम कहते हैं इसको चौकोर में कट करना है, दोनों तरफ से प्लेन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने विश लिखी है पर ये दोनों तरफ से प्लेन होना चाहिए और इसको 3 फोल्ड करना है। देखिए एक फोल्ड दूसरा फोल्ड और ये तीसरा फोल्ड, यानी आप देखोगे यहाँ पे तो ये जस्ट लाइक पिरामिड बन गया, यानी एक पिरामिड का पूरा यहाँ पे ये बन चुका है, ये देख लीजिए आप पिरामिड का शेप। वापिस आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये इसके 3 फोल्ड है, दोनों साइड से प्लेन पेपर 3 फोल्ड करना है, वाइट पेपर लेना है, पेपर 100% वाइट ही लेना है, कोई कलर स्कीम में मत जाना क्योंकि वाइट पे लिखा हुआ कार्य 100% होगा। पर यहाँ पे पेन में हम हमेशा रेड कलर की पेन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें शुभ कार्य लिखना है, इसमें रेड कलर की पेन होनी जरूरी है, अगर रेड कलर की पेन नहीं होगी तो आपको ये रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। अगर समझो कि कोई कारणवश आपने अगर ये प्रयोग किया है और आपने रेड पेन नहीं ले रखी, पेपर प्लेन नहीं ले रखा, तो ऐसा कुछ आप सोचना मत, क्योंकि आपने जब कुछ जा तब लिखा है बस उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जानने के बाद आप नियम के अनुसार करो, और जानना आपको पता ही नहीं है तो आपकी ये भोली पूजा की जाएगी, आपको जैसे किए वैसे भगवान उसको मान्य करेगा। अगर आप जान जाते हो और फिर गलती करते हो तो वो चीज़ गलत है, अगर नहीं जानना है नहीं पता आपको क्या उसकी रीत है क्या उसकी सिस्टम है तो उसमें कोई भी बंधन आपको दोषित नहीं कहेगा। अब यहाँ आगे हम बात करेंगे, तो अब यहाँ पे आपको रेड पेन से लिखना है सबसे पहले आपके कुलदेवी का नाम। हमें कुलदेवी का नाम क्यों लिखते हैं, तो फ्रेंड्स आपने अब आपका बचपन देखा होगा तो बचपन में आप जब भी कहीं खेलने जाते हो मार्केट जाते हो या फ्रेंड्स के घर जाते हो पढ़ने लिखने घूमने या कोई भी ऐसी जगह जाते हो और घर पे लौटते समय अगर आप लेट हो गए तो आप क्या करते हो, हमारा दरवाज़ा आपके घर का दरवाज़ा नॉक करते हो तो 100% वो दरवाज़ा कौन खोलता है, तो वो आपकी मम्मी ही खोलेगी, कभी पिताजी खोलने नहीं आएंगे क्योंकि मम्मी को इतनी चिंता रहती है कि अभी तक मेरा संतान नहीं आया, तो वो उसके मारे वो जागती रहती है, यानी वही जो हमारे कुल की देवी है वो हम सबकी माता है, माता रानी। अब जब भी आप अपने जीवन की कोई भी समस्या के लिए माता रानी को याद करोगे तो 100% वो आ जाएगी, उसमें कोई दो बात नहीं है, बस यहाँ पे श्रद्धा रखनी जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे कुल की देवी है, तो हमारे कुल की देवी चामुंडा माता है, तो जय श्री चामुंडा माता की जय, तो यहाँ से जय से भी संबोधन करना है। तो पहले 2 लाइन में या 1 लाइन के अंदर ऐसे कुलदेवी का नाम लिख दीजिए और नीचे अपनी इच्छा लिख दीजिए, हमने नया मकान खरीद लिया है, यहाँ पे क्या चीज़ आपको निकल के आई कि ये मेरा काम हो गया है, यानी आपको कोई भी काम करना है, समझो कि आपको नई कार लेनी है तो आपके कुलदेवी शेरावाली माता है, तो जय श्री शेरावाली माता की जय, हमने नया
हमने नई कार खरीद ली है, नई कार मेरी आ जाए, मेरी खरीद लूँ, ऐसा नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव प्रीपेड कि हमने ये काम कर लिया है। इतने निश्चिंत हो जाओ क्योंकि आप जिसको काम जिसके नाम से काम करने जा रहे हो तो उस पर इतना भरोसा होना चाहिए कि वो काम हमारा होगा। रही बात समय की, तो अगर अगर भगवान की मर्जी से ही काम होगा ना तो वो काम आप यूज़ कर पाओगे, नहीं तो आपने कई बार देखा कि कभी यार हम उतावल में कुछ कर लेते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान भी जाता है। क्योंकि क्योंकि भगवान की मर्जी नहीं होती है, भगवान वहाँ पे आपको वेट करना कहते हैं कि अभी नहीं, 2 महीने के बाद। पर आप जब उस काम के लिए संघर्ष करते हो, इच्छा करते हो और इतनी जिद करते हो तो भगवान आपकी जिद पूरी कर देता है, जिससे वो चीज़ आप भोग भी नहीं पाते। तो यहाँ पर आप श्रद्धा से लिख दीजिए, जय श्री सिरे वाली माता की जय, मेरे लड़के को फॉरेन के वीज़ा मिल गए हैं। ये जो चीज़ है ये सेंटेंस में ही सब कुछ पूरी, ये इसकी वो क्या बोलते हैं बेसिक है। यहाँ पे आपने अगर थोड़ी मिस्टेक कर ली तो वो रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा, मिलेगा तो सही पर थोड़ा समय जाएगा। अब ये विश लिख के, इसके बारे में कुछ भी आपको समस्या आती है कैसे विश लिखूँ क्या करूँ, तो ये वीडियो देखोगे तो ही सॉल्व होगी। मुझे फ़ोन करो, मैं आपको सपोर्ट कर सकूँगा, पर मैं एक बार बोलूँगा, वीडियो में बार बार बोल सकता हूँ, इसलिए आपको रिपीट करके देख सकते हो। अब इसको फिर फोल्ड कर दो, 3 स्टेप में रख दो और इस कछुए के अंदर, ये इच्छा पूर्ति कछुए में ये विश करके इस पे कंकु, हल्दी, चावल, जो कुछ रखना है द्रव्य जो पूजा में यूज आते हैं सब द्रव्य को इसमें अर्पण कर दीजिए। पर गीला नहीं करना, पाउडर फॉर्म रखना है, जिससे ये विश चिट बिगड़ ना जाए, तो ही ये मैनिफेस्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर हम ये इस पे इसका कवच कछुए का खोल चढ़ा देना है, फिर इसको प्रेस कर देना है, फिर हम इसको रोज़ सुबह उल्टे हाथ में रखना है। यह अभी फर्स्ट डे की विधि दिखा रहा हूँ, इसको उल्टे हाथ पे रखना है, हल्दी कंकु चंदन का मिश्रण बनाना है जो गीला होना चाहिए, फिर एक तिलक करना है। सबसे पहले कछुए के मस्तक पे तिलक करो, पीठ पे तिलक करो, उसके चारों पाँव का पूजन करो और साथ साथ चावल अक्षत चढ़ा दो। फिर रोज़ सुबह कछुए को हाथ में लेके इसी तरह 9 बार अंदर लिखी हुई विष को दोहराना है, जैसा हमने इसमें लिखा है, जय श्री चामुंडा माता, हमने हमारा नया मकान खरीद लिया है। तो कितना कॉन्फिडेंस है, ऐसा 9 बार बोलना है। तो आपने अगर लिखा हो जय श्री शेरा वाली माता और आपको आपके कहीं आप में से कोई व्यूअर्स के शादी का प्रॉब्लम्स है तो जय श्री शेरा वाली माता, हमारी अच्छी जगह मेरी शादी हो गई है। अगर जेंट्स के साथ करनी है तो जेंट्स के साथ, और लेडीज़ को लेडीज़ की शादी होनी है तो जेंट्स का लिखेंगे और जेंट्स को लेडीज़ का नाम लेडीज़ का संबोधन करना है। यानी वो एक कॉमन बात है, इसमें नहीं समझा सकता, वो आप खुद समझ सकते हो। आपको कोई भी विश लिखने तो एक बार फ़ोन कर लेना, मैं सपोर्ट करूँगा। विश कैसे लिखनी है वो समझा दूंगा, कैसे करना है वो वीडियो पे ही आपको डिपेंड रहना होगा। ऐसा करके फिर रोज़ 9 बार रिपीट कीजिए और इसको घर के मंदिर में बिना पानी, यहाँ पे आपको फिर दोहरा रहो, पानी बिना रखना है और भगवान के मंदिर में रख दीजिए, भगवान की तरफ फेस कीजिए, जैसे शिव मंदिर में होता है। शिव मंदिर में कछुआ हमेशा भोलेनाथ की तरफ मुंह करके होता है, इसी तरह ये विष्णु स्वरूप कछुए को भी आपके घर के अंदर मंदिर में ऐसा रखना है कि आप जब बैठो तो उसकी पीठ आपको दिखनी चाहिए, यानी पीछे वाला पोर्शन जो कछुआ है वो हमें उसके दर्शन करने हैं और कछुआ ऑलरेडी भगवान की स्मरण करता हो। क्योंकि हमने हमारे आपके और भगवान के माध्यम, हमारे दो भगवान और आपके माध्यम में हमने बीच में मीडिएटर विष्णु भगवान को हमने अर्जी की है, जो भगवान तक ये अर्जी पहुंचाएंगे। फिर जब आपका काम हो जाए उसके 1 हफ्ते बाद आपको लगता है कि ये मेरा काम 100% हो गया है, अब कोई रुकावट नहीं आएगी, तो उसको बहते हुए पानी में चढ़ा विसर्जित कर दीजिए। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कछुआ जहाँ जाता है क्या होता है वो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब प्रभु की लीला है, ये लीला आपको करनी है। आज नहीं करोगे तो कल करोगे, परसों करोगे, कोई इससे बचने वाला नहीं है। खाली सबके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, कोई इस तरह से भगवान को मनाने की कोशिश करता है, कुछ और तरह से भगवान को मनाने की कोशिश, पर सबका एक ही काम, भगवान की कृपा बिना काम होने वाला नहीं है, चाहे जितने भी मेहनत कर लो। मेहनत करने से काम होता है वो किताबों में लिखा है, पर जब तक कृपा नहीं हो रही तब तक मेहनत की हुई भी हमें फल नहीं देती। ये आप भी अपना अनुभव आपको भी पता होगा। फ्रेंड्स अब ये आप श्रद्धा से कीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भगवान पे भरोसा कीजिए और ये 100% आपका काम होगा। क्योंकि कोई भी धर्म से जुड़े हो आप, उस धर्म के जो भी पूजनीय देवता है, जो भी पूजनीय इंसान है, जो भी कुछ है, खास माता जी की, माता रानी की आप वंदना कीजिए, उपासना कीजिए, तप जप कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, 100% ये काम होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी आपको समस्या आ रही है, तुरंत कॉल कीजिए, मैं आपको 100% आंसर दूंगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।